डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिमेनिंग पोर्शन स्टडी करेंगे, क्योंकि अब तक हम लास्ट लेक्चर में फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको एक आगे सेक्शन में लेते हुए बाकी जो बचे कुछ हमारे पास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास आज पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की बात करता हूँ तो देखिए कैसे। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसे एक डिस्क है, ठीक है, या आपके पास चार्ज डिस्क है इस तरीके से, ओके, जिसपे मटेरियल है ऊपर की तरफ ये, ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो अब मुझे यहां पर इसके एक्सिस पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट है पी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी बताने से पहले, कि अगर आप डिस्क की बात करें तो डिस्क छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनती है। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले इसमें एक रिंग को इमेजिन कर लेता हूं लाइक ऐसे। अगर मैं इस रिंग को इमेजिन करता हूं तो इस रिंग की जो रेडियस है वो एक्स मान लेता हूं और इसकी थिकनेस क्या मान लेता हूं, डीएक्स, जबकि जो डिस्क की रेडियस क्या है वो आर है, ठीक है ना, डिस्क की रेडियस क्या है, आर। अब आप देखिए ये एक रिंग है, तो रिंग की वजह से ही मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं इस पॉइंट पर। अगर मैं एक रिंग की वजह से निकाल दूंगा तो बाकी मैं क्या कर दूंगा, इंडिकेट कर दूंगा, क्योंकि देखें तो x वेरिएबल है, तो यानी कि यहां पर x की वैल्यू जो है वो पहले जीरो होगी लिमिट के फॉर्म में, और फिर x की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, यानी x की लिमिट क्या है, जीरो से लेके r तक। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने आपको याद कीजिए रिंग की वजह से रिंग के एक्सिस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पहले से ही कैलकुलेट कराया हुआ है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। अगर आपने देखो तो रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है यहां पर, थोड़ा आप पीछे वीडियो में भी देख सकते हैं, इस पॉइंट पर अगर ये रिंग का रेडियस कितना है, एक्स है, ये एक काम कीजिए थोड़ा, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है, सही नहीं लगेगा, इसको आप क्या मान लीजिए आर, इसको क्या मान लीजिए आप डी आर, और यहां पर क्या लिख लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी है। अब r की वैल्यू जीरो होगी और फिर इसमें स्मॉल r की वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए अब हम मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या एक रिंग है, और रिंग की वजह से क्या होता है, रिंग की वजह से आप जानते हैं कि रिंग की वजह से एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस पॉइंट पर, अगर उसकी रेडियस कितनी है, आर है स्मॉल, और ये डिस्टेंस एक्स है और एंगल थीटा है, तो आप याद कीजिए कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था वो शायद ये था, इक्वल के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह यहां क्या रेडियस है, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू एक्स, ये हमने आपको बताया था रिंग के, ठीक है, यहां पर। अब आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि हम ऐसे देख, एक रिंग की वजह से ये होता है और रिंग हमने ये कट करी है। अब आप खुद सोचिए अगर पूरी डिस्क का चार्ज कितना है, पूरी डिस्क का चार्ज क्यों है, तो सपोज इसका चार्ज क्या मान लेते हैं, डी क्यू, क्या मान लेते हैं, डी क्यू। अगर मैं इसको डी क्यू लेट कर लेता हूं, किसका चार्ज है, डी क्यू, डी क्यू चार्ज हमने किसका लेट किया है, जो हमने इसमें रिंग कट करी है। तो अब आप देखिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके, डिस्क की, और क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है तो, और इसका डी क्यू कितना होगा आपके पास, इसका डी क्यू होगा आपके पास कितना, इसका डी क्यू होगा डी क्यू अपॉन एरिया, और इसका एरिया क्या है, इसमें से जो रिंग कट होगी उसका एरिया होगा 2πr dr, समझ गए ना, क्योंकि जो रिंग कट करेंगे ऐसे, उस रिंग को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे यहां से कट करके स्ट्रेट वायर बना सकते हैं। अगर स्ट्रेट वायर बनाओगे तो ये थिकनेस कितनी हो जाएगी आपके पास dr, जबकि ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी आपके पास 2r, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या है,
इसका हमने जो वैल्यू को कैलकुलेट किया है एरिया के, तो हमने लिख दिया। अब आप देखें दोनों को इक्वेट पुट कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, डी क्यू अपॉन में 2πr डी आर और इक्वल में क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू की वैल्यू आई आपके पास 2q आर डी आर और अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये जो हमने रिंग एलिमेंट कट किया है डिस्क से, ठीक है बेटा। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इजीली अब इसको यहां सॉल्व कर सकता हूं, तो देखिए वो कैसे कर सकता हूं, अच्छे से देखिएगा। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, आपके पास डी क्यू आ गया एक रिंग, तो अब देखिए ड्यू टू एन एलिमेंट रिंग, ये रिंग है। अब आप देखिए यहां पर आ रहा है तो यहां आ रहा है, इस वाले फॉर्मूले की जगह वैल्यू पुट करते चले जाइए, क्योंकि ये डी क्यू है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डी ई होगा, और वो भी ऊपर की तरफ कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला जो क्या होता है सारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा डी ई इक्वल के, तो के हो गया, क्यू की जगह क्या आ जाएगा आपके पास डी क्यू, क्योंकि रिंग की वजह से निकाल रहे हैं, और एक्स की जगह क्या होगा एक्स ई होगा, और अपॉन यहाँ पे एक्स जगह क्या आएगा एक्स ही आएगा, और प्लस आर की जगह यहाँ पे क्या आएगा आर ही आएगा, और पावर कितनी हो जाएगी 3/2। लेकिन अब हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, तो किसकी वैल्यू एलिमिनेट करनी पड़ेगी, एलिमिनेट हमें करनी पड़ेगी किसकी वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू आपके पास ये ही, तो लिख सकते हैं डी ई इक्वल के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी क्यू की वैल्यू क्या है, ये आपके पास कितनी है 2q आर डी आर एक्स अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ठीक है बेटा। कोई डाउट यहां तक आपको समझ आ गया हो तो फिर मैं आगे चलूंगा। तो ये देखिए जैसे मैंने लिखा है यहां पर, तो अब ये जो चीज ये ध्यान रखना बेटा मैंने कैसे कैलकुलेट किया, और ये ध्यान रखना मैंने कैसे कैलकुलेट, डी क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कैलकुलेट करना, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी के क्यू और अपॉन में आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 2r, और ये क्या एक्स, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 2r डी आर और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपके पास आ गया। जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं, लेट क्या लिख लेते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको टी मान लेते हैं, क्योंकि अभी वेरिएबल कौन है, वेरिएबल स्मॉल रेडियस है, तो इसलिए ये तो कांस्टेंट है एक्स, तो लिख सकते हैं 2r dr अपॉन dt इक्वल 1, ये आ जाएगा आपके पास, तो इसका मतलब टू आर डी आर इक्वल किसके आ जाएगा आपके पास dt, ये आपके पास आ गया। जैसे बेटा आपके पास ये आया तो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, जैसे मेरे पास ये कैलकुलेट हुआ तो अब आप देखिए ध्यान से, इस 2r dr को मैं कहां पर रिप्लेस कर सकता हूं, यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं de इक्वल के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना रहेगा 2r dr की जगह कितना रहेगा dt, और अपॉन में इसकी जगह क्या रहेगा t की पावर 3/2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं डी ई और इक्वल में के क्यू एक्स अपॉन में कितना है आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हुए कितना आएगा टी की पावर -3/2+1 और अपॉन -3/2+1, ये आपके पास आ गया। डी ई की वैल्यू पुट कर तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पर पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2k³x अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा 1/√t, और टी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे जो हमने वैल्यू पुट करी है, तो डी ई इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन होता आ रहा है इसका, तो इंटीग्रेशन डी ई, तो मैं लिख सकता हूँ खाली ई इक्वल 2k³x अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/√r² + x² और लिमिट कहाँ से 0 से लेके r तक, क्योंकि हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, डिस्क की रेडियस यहाँ पे वेरिएबल, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, तो डी आया आपके पास, तो ई की वैल्यू कितनी आई आपके पास
टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर ये हमारे पास आया, और वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक बार आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस एक बार यहाँ पे स्मॉल आर की जगह जीरो, तो वन बाई एक्स ये आपके पास आ गया। एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू आप सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा आपके पास कितना, अच्छा बेटा यहाँ माइनस है तो माइनस भी लिख देना, तो माइनस आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस और एक आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर देना तो क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चाहो तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। कैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, डिस्क के लिए है, तो मैं क्या लिख सकता हूं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये तो आप जानते होंगे जी आपके पास, तो इस क्यू अपॉन पाई स्क्वायर की जगह तो मैं लिख सकता हूं ई इक्वल कितना क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा अगर देखें तो ये क्या है सिग्मा है, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है कहां पर एक्सिस पर, कहां पर आ जाता है बेटा ये एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाता है किसके डिस्क के, तो ये हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो अब मैं फिर ये आप एक बार पूरी कैलकुलेशन देखना कैसे कैलकुलेट किया है, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना के इसको डायरेक्टली लिखता हूं कि मेरे मकसद क्या था इसको समझाने का। तो मेरा मकसद सिंपल इतना था कि मैं क्या करना चाहता हूं कि किसी डिस्क को ऐसे लेकर उस डिस्क के सेंटर से यहां से ये रेडियस कितनी है उसकी आर है और ये यूनिफॉर्म चार्ज है, ठीक है ये डिस्क है इस तरीके से और उसकी रेडियस आर है, क्या बेटा ये उसकी रेडियस आर है और यहां एक्स डिस्टेंस पर उसके एक्सिस पर यहां पर एक क्या पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, और मेरे पास कितना आया ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है बेटा, ये मेरा मकसद था समझाने का जो मुझे आपको समझाना है किस पॉइंट पर निकालना मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहां पे एक सिचुएशन और बनती है क्या कि अगर बेटा मैं आपसे बोल दूं कि इसका जो रेडियस है यहां से ये जितना रेडियस है ये सब जितना भी रेडियस है इस तरीके से मैं रेडियस को इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर दू, कहां तक इंक्रीज कर दू इन्फिनिटी तक, तो अगर मैं इन्फिनिटी तक इसके रेडियस को बढ़ा दूंगा तो ये जो डिस्क है ना डिस्क यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म चार्ज्ड शीट बन जाएगी, यूनिफॉर्म क्या बन जाएगी यूनिफॉर्म चार्ज शीट बन जाएगी, इसका मतलब मैं रेडियस को मैंने क्या कर दिया इन्फिनिटी, अगर मैं रेडियस को क्या रखता हूँ इन्फिनिटी तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा E का जो फॉर्मूला आएगा अब वो आएगा सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, अब अगर इन्फिनिटी में किसी चीज को ऐड करो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में ई इक्वल सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन और ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, और किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करते तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा ये जीरो, तो हमारे पास जो ई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं एक डिस्क की रेडियस को इनफाइनाइट तक ले जाऊं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिफॉर्म चार्ज शीट,
और वो भी कैसे लार्ज लार्ज यूनिफॉर्म चार्ज शीट बन जाती है। फिर उस पे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये जो डिस्क है अब आपके पास ये बन जाएगी, इस तरीके से एक शीट बन जाएगी और इस तरीके से शीट बनकर बताता हूं कैसे। देखिए ये आपके पास क्या थी, ये डिस्क थी कितने रेडियस की, आर रेडियस की, ठीक है ना। अगर मैंने आर को क्या रख दिया, आर को इन्फाइनाइट तक ले गया तो फिर ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म लॉन्ग या यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज शीट। क्योंकि चार्ज पहले किस पे था, डिस्क पे था, अब उसके रेडियस को मैंने कितना कर दिया, रेडियस को इन्फिनिटी तक ले गया। तो रेडियस को अगर मैं किसी डिस्क की रेडियस को इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा तो वो एक किसके तरह बिहेव करेगी, यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज शीट की तरह। और मैं उसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा पी पॉइंट पर, तो वो क्या होगा, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ गया, ठीक है बेटा। इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते थे, लाइक कैसे, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास क्या एक यूनिफॉर्म लास्ट शीट है पहले से ही, ओके, इसका अल्टरनेट मेथड है ये। अभी तो हमने क्या किया था, डिस्को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, डिस्को को हमने कन्वर्ट कर दिया था आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करके किसमें रख दिया था, एक लास्ट शीट, एक लार्ज चार्ज शीट डेवलप कर दिया था। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं ये पहले से ही क्या है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये सब इनफाइनाइट है, ठीक है बेटा, ये सब क्या है, इनफाइनाइट है, सब क्या बेटा, ये इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अगर ये इनफाइनाइट आता है तो आप इसमें देखिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये इनफाइनाइट है और ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक इसकी साइड जा रही है, तो मैं इसमें से क्या कर सकता हूं, एक डिस्क को ऐसे कट कर सकता हूं, किसको, डिस्क को, अगर मैं इसमें से डिस्क कट कर सकता हूं और डिस्क के कहां पर, एक्सिस पर, यहां पर क्या निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो वो बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे मैंने भी कैलकुलेट किया था। और वो कितना आएगा, वो आएगा ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स तो क्या हो जाएगी ये और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी आर, और जब आर की वैल्यू कहां तक पुट करोगे, इन्फिनिटी तक चारों तरफ से, तो ये ई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज शीट का, और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क का। तो ये ध्यान रखना हमने कैसे कैलकुलेट किया है। अब आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था अभी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क का और यूनिफॉर्म चार्ज शीट का, तो अगर मान लीजिए सपोज आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है लाइक, ठीक है, इस तरीके से, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड है ये इस तरीके से इस पर, और इसमें से मैंने क्या कर लिया, एक डिस्क को कट कर दिया है, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग है, क्या बेटा ये नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ये, और मैं यहां एक सेंटर से यहां से सेंटर से जेड डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, ये कैलकुलेट करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन्फाइनाइट है और ये भी क्या इन्फाइनाइट है। तो इसका मीनिंग समझ गए कि ये कैसी चीज है, ये आपके पास लॉन्ग लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज्ड नॉन कंडक्शन शीट है, और क्वेश्चन में बोला गया है
मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने इसमें से एक आर रेडियस का हमने होल कट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें से जो होल कट किया है यानी कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक डिस्क की तरह, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इस डिस्क की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो ये होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस, यह एक्स की जगह जेड आ गया तो जेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और आपको पता होना चाहिए ये क्या लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज शीट है, ये जो है तो लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग जो शीट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्योंकि ये इनफाइनाइट है चारों तरफ से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई पी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको पता होना चाहिए, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लॉन्ग इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट में से ये डिस्क को कट कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डिस्क नहीं कट होती तो इसका आंसर यही होता, लेकिन अब इसमें से ये कट कर दिया गया तो यानी इतना कम कर दिया, तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है बेटा, अगर ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन की बात करें तो इसका मतलब इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूं तो बचे कुचे का आ जाएगा, तो ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी पॉइंट पर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे कितना आएगा इसमें से, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1 माइनस 1 और प्लस में जेड अपॉन अंडर रूट कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा ई पी इक्वल्स टू कितना बचेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और जेड अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, देखिए कैसे किया मैंने, और ये इसका प्रॉपर आंसर आएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो ये है आपके पास रिमेनिंग पोर्शन की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको भी आपको बता देंगे कि कैसे करने हैं और कैसे नहीं करने हैं, ठीक है। थैंक यू, चलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल कप। तो देखिए सबसे पहले हेमी स्फेरिकल कप को ड्रॉ करेंगे कैसे, लाइक ऐसे, और इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो जब भी हम कभी हेमी स्फेरिकल के सेंटर पे बात करेंगे तो अब इसको उसके प्लेन के अकॉर्डिंग कट करेंगे, और अगर इसके प्लेन के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो कुछ इस तरीके से कट कर आएगी वैल्यूज, और जो कट होंगी वो छोटी छोटी सी रिंग कट होंगी बेटा, ये इसका रिंग का सेंटर हो जाएगा, तो सेंटर से यहाँ पर बताएंगे एक रिंग की वजह से, और ये इसके पास हो जाएगी, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा डी थीटा, जब भी ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तो यानी कि ये रेडियस कितनी है आर, तो इसके रिंग के रेडियस कितनी मान लेते हैं डी आर, जबकि जो रेडियस मान लेते हैं ये आर मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये आर है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये आर है तो इसके आर के दो कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं, ये जो है ये यहां से यहां तक तो क्या बन जाएगी आर साइन थीटा, जबकि यहां से यहां तक ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास आर कॉस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि जो मेरे को रिंग मिलेगी वो रिंग कुछ ऐसे मिलेगी जिसकी जो रेडियस है वो है कितनी आर, सॉरी वो है रिंग की रेडियस आर साइन थीटा, जबकि जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है आपके पास डी आर है। और मुझे यहां निकालना कहाँ है, इसके इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये पॉइंट आपके पास कितने डिस्टेंस पर है, इसको हम मान लेते हैं
यहाँ से आज तक की जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं एक्स, तो यानी कि ये एक्स हो गया और ये एलिमेंट हो गया, ठीक है बेटा। और एंगल क्या हो गया थीटा, और ये हो गया डी थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिंग एलिमेंट का चार्ज निकालेंगे। रिंग एलिमेंट का चार्ज कैसा आएगा, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन में इस रिंग का एरिया क्या होगा, रिंग का एरिया, जब रिंग को आप ये रिंग को ऐसे कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रेट वायर में, तो ये आपके पास तो क्या बन जाएगा, टू पाई आर साइन थीटा, और उसके थिकनेस क्या बन जाएगी आपके पास डी आर, ये बन जाएगी डी आर। डी आर कैसे कैलकुलेट कर सकते, देखो ये छोटा सा यहाँ से यहाँ एंगल है, यानी कि लाइक ऐसे है, और ये डी आर है, तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा। तो अगर ये डी थीटा हो तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। तो एंगल कितना है डी थीटा, आर्क कितना डी आर, और रेडियस कितने कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस आर है। तो यहाँ पे आपके पास डी आर की जो वैल्यू आती है वो आती है आर डी थीटा, तो यहाँ पुट कर सकता हूँ आर डी थीटा। तो इसका मतलब ये आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो जो रिंग का एरिया आया वो लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए, तो डी क्यू अपॉन में डी ए कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि टू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये मेरे पास आ जाता है, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू कितना है, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू टू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ओके गुड। तो अब मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास गिवन है, ये कितनी है आर कॉस थीटा, जबकि ये वाली कितनी है आर साइन थीटा। तो आपको रिंग के एक्सिस पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है डी ई इक्वल टू के डी क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू तो आपके पास ये है, और स्मॉल r की वैल्यू आपके पास ये है r sin थीटा, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ डी इक्वल k की वैल्यू बोलते अपॉन 4π ε0, और dq की वैल्यू आपके पास क्या सिग्मा इंटू में 2π r² sin थीटा d थीटा, और x की वैल्यू क्या रखना है r cos थीटा, और अपॉन में क्या लिख दें x की जगह रख दें आर स्क्वायर की पावर यानी कि 3 यानी क्यूब बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व वैल्यू पुट कर दो तो ये 1 आएगा, ठीक है। और आपके पास आर क्यूब से आर क्यूब सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 2π से 2π, तो डी की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी आएगी सिग्मा अपॉन में 2ε0, कितनी आएगी सिग्मा अपॉन 2ε0 जो वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2ε0, और ये क्या आएगा इंटू में यह आएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये तो मैंने 2 गलत गलत कट किया, क्योंकि 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से दोबारा डिवाइड, क्योंकि ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, क्या बन जाएगा ये साइन 2 थीटा। तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इसमें ऐसे ले तो यहाँ से बता देता हूँ, तो यहाँ से आगे चलता हूँ, तो ये आपके पास क्या आएगा देखिए ध्यान से, ये जो मेरे पास आ जाएगा वो आपके पास आएगा डी ई इक्वल सिग्मा अपॉन में 4ε0, और यह आ जाएगा साइन 2θ डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डी ई इक्वल सिग्मा अपॉन में 4ε0 साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप कर सकते हैं साइन थीटा का माइनस कॉस 2θ अपॉन में 2, और लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, क्योंकि हेमिस्फेरिकल है तो लिमिट देखना 0 से लेके π/2 आएगी, तो लिमिट क्या हो जाएगा आपके पास ये ई आ जाएगा, और सिग्मा अपॉन में कितना आ जाएगा 4ε0 और माइनस कॉस 2 यानी π/2 पर 2 × π/2, और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, यह लिख दीजिए 2 और 2 जाए, और माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा कॉस 0, ये आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ई कॉस 2 कितना आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन में 4ε0, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस में माइनस वन यानी कि 1 माइनस माइनस 1, और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2, यानी 2 से 2 कट गया, तो ई की वैल्यू कितनी आई
सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसके, एट द सेंटर ऑफ द हेमी स्फेरिकल कप जो कि हॉलो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा कैसे सॉल्व किया है, और नहीं समझ आता है तो आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बारे में, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। बच्चों पूरी 12th पास हो जाती है, लेकिन अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होता कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग क्या होता है, क्योंकि वो हमेशा इसी में कंफ्यूजन रहते हैं। और किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका एक दिमाग होना चाहिए कि हमें जो हमारे पास कंफ्यूजिंग पॉइंट है उनको सबसे पहले क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार यहां पर नाम लेने वाला हूं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि मैं एक तो बता चुका हूं आपको यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो अब बात करते हैं पहले कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग ध्यान रखना, अगर मैं मान लीजिए कोई मेरे पास स्फीयर है और वो भी क्या है कंडक्टर, कंडक्टर बोलो तो मेटल है, अगर मेरे पास कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होगा, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में जो आपके पास चार्ज होता है वो सरफेस पर स्प्रेड होता है। ध्यान रखना, जितनी भी कंडक्टिंग बॉडीज होंगी उन सबके सरफेस पर ही चार्ज स्प्रेड होगा। दूसरी बात, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है इनसाइड में। अब चाहे वो स्फीयर हो, चाहे सपोज ऐसे एक मेटल प्लेट हो, यानी कंडक्टिंग प्लेट ठीक है, वो भी कैसी चार्ज और वो भी यूनिफॉर्म। तो यहां भी क्या होगा, यहां भी चार्ज कहां रहेगा, हमेशा सरफेस पर ही स्प्रेड रहेगा। ठीक है, ओके, सरफेस पर ही स्प्रेड हम करेंगे चार्ज को। तो अगर आपके पास, और अंदर इनसाइड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रहे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर उसके हम बात करते हैं किसकी की, सपोज आपके पास ऐसे हो और ऐसे हो, इसको बोलते हैं थिन वॉल्ड चार्ज कंडक्टिंग शेल। तो इसमें भी चार्ज कहां होता है, सरफेस पर स्प्रेड होता है, इसके अंदर चार्ज नहीं होता है। ध्यान रखना, यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्यों क्यों कैसा होता है ये, और ऐसा होता क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, कंडक्टर के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी तरीके से होता है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग में जो भी बॉडी होगी उसके चार्ज इस तरीके से स्प्रेड होगा अंदर, और इसके इनका मतलब इनसाइड, और इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं ऐसे बना दूं, तो ये आपके पास ये क्या है, ये आपके पास थिन वॉल्ड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, ये है आपके पास। तो इसके अंदर ऐसे प्लस कुछ होगा, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है ना, ये प्लस 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 प्लस,
ठीक है, जबकि यहां पे क्या सरफेस पर। इसी तरीके से इसके और किसी भी कंडक्टिंग के अंदर हमेशा याद रखना ई इनसाइड में क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर ये जो दिखाई दे रहा प्लस प्लस चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो अब आज हम ऐसे ही बहुत सारे काम करेंगे। अब इनकी जगह हम सिलेंडर भी ले सकते हैं, अगर सिलेंडर हो तो। सिलेंडर कैसे हो सकता है, सिलेंडर ऐसे हो सकता है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में भी सरफेस पर चार्ज है। कहां पर चार्ज है, सरफेस पर। सरफेस पर बोले तो ऐसे, ठीक है, अगर सरफेस पर बोले तो ऐसे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ ये सरफेस पर है तो ये क्या है, कंडक्टिंग, और उसके ई इनसाइड भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग का मतलब अंदर, तो फॉर नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग में ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग में ई जो होता है वो इनसाइड में जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये आपके पास कुछ चीजें हैं जो हमें आपको यहाँ बतानी है, ये जो हमने आपको बताई है उसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन मूव ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट नंबर वन इंटरनल पॉइंट, नंबर टू एक्सटर्नल पॉइंट, नंबर थ्री एट सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है बेटा, अब देखिए बड़ा ही समझना आसान है। हम बात करें कंडक्टिंग की, और कंडक्टिंग मैंने क्या बताया था कि अगर आप किसी मेटल को एक्सटर्नल चार्ज देते हैं तो जो सारा चार्ज है वो धीरे धीरे आकर कहाँ स्प्रेड हो जाता है, सरफेस पर। ठीक है ना, ये तो जानते हैं, मैंने आपको बताया था चार्जिंग, जब हमने फर्स्ट केस पढ़ा था कि बॉडी को कैसे कैसे चार्ज किया जाता है, तो कंडक्टिंग बॉडी के अगर हम एक्सटर्नल कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज धीरे धीरे आपस में रिपल्शन की वजह से वो सारा सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अंदर तो कोई चार्ज बचा नहीं, तो अगर अंदर कोई चार्ज बचा नहीं तो इसका मतलब इंटरनल पॉइंट पर तो पहले ही क्लियर हो गया क्या, बिकॉज ऑल चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर। जब सारा चार्ज कहां पर आ गया आपके पास, जब सारा चार्ज आपके स्प्रेड हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर कोई चार्ज नहीं बचा है, तो क्यू इनसाइड क्या होगा, जीरो। अगर क्यू इनसाइड जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पे डिपेंड करता है, तो ई इनसाइड भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बेटा, तो ये पहला केस हमारे पास सॉल्व हो जाता है इजिली। अगर मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट के, और बात कर पहले चले, पहले मैं आपको तीसरा पॉइंट समझाता हूं, दूसरा पॉइंट तो अपने आप क्लियरली समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं एट द सरफेस की, या किसी की बात कर लीजिए, अब आप सोचिए कि ये कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। अगर मैं ये बोलता हूं कि पूरी बॉडी पर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है
और ये भी क्या डी क्यू है, और ये भी क्या डी क्यू है, और ये भी क्या डी क्यू है, यानी कि सब चार्ज, और ये जितने भी चार्ज हैं ये जो, अगर मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की तरह ऐसे ड्रॉ करूं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को मूव कर रही हैं ऐसे रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ होती हैं, आउटवर्ड, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे शो किया जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऐसे शो किया जाता है, ठीक है ना बेटा, ऐसे शो किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि जब इन प्लस प्लस चार्ज को हम डॉट 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 बैक करते हैं तो यहां पर ये सारा मीट होता है। तो इसका मतलब ऐसे लगता है कि ये सारा चार्ज जो है वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। कहां पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर, और सेंटर से यहां तक के जो डिस्टेंस है वो आ रहे हैं यहां से यहां तक के। तो इसका मतलब अगर आप आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो ये आ जाएगा सरफेस पर, तो इसलिए आ जाएगा ई इक्व टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। तो हमें ऐसा फील होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डॉट 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 पीछे की तरफ मीट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सारा चार्ज कहां पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर, ऐसा लगेगा हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस पर यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर हम एक आर जो है वो स्मॉल वेरिएबल ले सकते हैं, ये आर जो है वेरिएबल ले सकते हैं। वो कैसे है? अगर आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर हो तो इसका मतलब हम कहाँ आ जाएंगे, इनसाइड में, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि क्यू इन बी क्या है वहां पर, जीरो है, ये तो आप जानते हैं। और अगर मैं बात करूं आर बराबर आर की तो ये कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर। तो यहां पे ई कितना होगा सरफेस पर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आ जाऊंगा आर ग्रेटर आर पर, कहां पर आ जाऊंगा, आर ग्रेटर आर पर, तो याद रखिएगा आर ग्रेटर आर के लिए यहां मान लीजिए ये पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये हो गई, जबकि स्फीयर इतना सा है। तो याद रखिएगा किसी भी आउटर पॉइंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल यहां से यहां तक के डिस्टेंस है, पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर थी, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ई आउटर ऐसे लिख सकता हूं, और इक्वल में कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया जो मैंने आपको यहां पर लिखकर दिखाया, ठीक है। और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो ग्राफ भी आराम से ड्रॉ कर सकता हूं, किसके इसके बीच में ये ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए, ये आपके पास है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या आपके पास पोजीशन है आर, यानी कि ये क्या है पोजीशन, तो यहां पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालो। अब आपको पता है सेंटर से लेके जस्ट सरफेस के पहले तक, यानी कि अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होता ही नहीं है, यानी कि यहां से यहां तक ये जो ई है, ई इनसाइड जो है वो जीरो है, कब, जब आर की वैल्यू लेस देन आर होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, अगर बात करूं मैं आउटर सरफेस की, तो यहां पे तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये यहां से यहां भी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि ये यहां से यहां तक ये ऐसे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई इनवर्सली वन अपॉन आर। और ये कब है, जब आर ग्रेटर आर हो जाए, और ये कब है, जब आर की वैल्यू आर बराबर आर हो जाए, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया कब, इंटरनल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट और सरफेस के लिए। तो बेटा ये तो था किसके लिए, कंडक्टिंग के लिए। अब अगर मैं कंडक्टिंग के बाद बात करूंगा किसकी, नॉन कंडक्टिंग की, एक एक करके चलूंगा,
तो नॉन कंडक्टिंग क्या होगा वो देखिए। अगर मैं नॉन कंडक्टिंग की बात करता हूँ, ठीक है, जिसका मैं कंडक्टिंग के लिए निकालूंगा उसी का मैं नॉन कंडक्टिंग के लिए निकालूंगा। तो अगर मैं नॉन कंडक्टिंग की बात करता हूँ तो नॉन कंडक्टिंग का देखिए, नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है बेटा। तो देखिए इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, मैंने आपको बताया था जो नॉन कंडक्टिंग होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसके अंदर चार्ज है, तो अगर इसके अंदर चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां मैं तीन पॉइंट बनाऊंगा, एक ले लेता हूं ये वाला पॉइंट, ये इंटरनल पॉइंट, और इसको ऐसे कवर कर देता हूं, ठीक है। एक हो गया सरफेस, ये हो गया, और एक हो गया आउटर, यानी कि यहां, ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर तीन कंडीशन कौन कौन सी है, वही कि ये जो आर है, क्या बेटा ये आर, जबकि ये क्या कैपिटल आर है, तो इसका मतलब मैं तीन कंडीशन, पहली कंडीशन क्या रखूंगा आर लेस देन आर, दूसरी कंडीशन क्या रखूंगा आर बराबर आर, और तीसरी कंडीशन क्या रखूंगा आर ग्रेटर आर, ठीक है। तो ये मैंने तीन कंडीशन रखी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आराम से समझिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी मैं किसकी बात करूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल फिक्स है, और वो ही करना है क्वेश्चन, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ कैसे करना है। अगर मैं इंटरनल पॉइंट की बात करूंगा तो देखिए जरा ध्यान से, इंटरनल पॉइंट के लिए, अगर मैं इंटरनल पॉइंट की बात करूंगा, एट इंटरनल पॉइंट तो बेटा सबसे पहले देखिए, इंटरनल पॉइंट पे मैंने जो छोटा सा ये एक स्फीयर इमेजिन किया, कितने रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का। अब आप खुद सोचिए, अगर इस पूरी बॉडी की बात करता हूं जो यहां असली है, ये वाली बॉडी, तो इस वाली बॉडी में देखें तो चार्ज क्या है, मान लीजिए क्यों है, लेकिन ये जो डॉट 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 मैंने इमेजिन किया है, ये तो चार्ज क्यों डैश होगा, क्या होगा चार्ज क्यों डैश, क्योंकि इसने चार्ज अलग ऑक्यूपाई किया होगा, इनने चार्ज अलग ऑक्यूपाई किया होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्ज वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो, इक्वल टू क्यू बाई वी। तो मैं लिख सकता हूं चार्ज एनक्लोज्ड, बाय इनर सरफेस, तो इनर सरफेस से चार्ज कितना लिया, देखिए इनर सरफेस ने लिया रो इक्वल टू रो, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो रो दोनों का सेम होगा, क्यू डैश अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि क्या होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब रो ये आपके पास है तो रो ही किसका होगा, रो ही आपके पास पूरी बॉडी का होगा, तो वो क्या होगा क्यू अपॉन में कितना है वो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कैंसिल आउट करें तो Q डैश की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास Q अपॉन में R क्यूब और स्मॉल R क्यूब, ये आपके पास आ गया। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये इसने इतना चार्ज को क्या किया, इनक्लोज किया हुआ है, और ये छोटा सा चार्ज हो गया R रेडियस का, ठीक है बेटा। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन मैं इंटरनल की बात करूं तो यहाँ क्यू डैश और आर स्क्वायर आएगा। अब इसको आप सॉल्व करें तो E की वैल्यू तो E हो गई, यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये इंटरनल पॉइंट की, तो मैं लिख देता हूं E इन, और इक्वल में कितना आएगा के अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू डैश की वैल्यू क्या, ये है आपके पास क्यू आर क्यूब, और अपॉन में कितना आ गया बेटा अपॉन में आर क्यूब, ये आपके पास आ गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर जो मैंने वैल्यू निकाली है ई इन
वो कितनी आती है आपके पास, आर से आर कट गया तो कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और इंटू क्यू आर, ये आपके पास आई है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है जो इंटरनल पॉइंट पर कैलकुलेट की है। लेकिन अभी आप देखो तो यहां पर रो किसके इक्वल होता है, रो होता है क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, या फिर एक काम लिख सकते हैं 3 रो इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई आर क्यूब और यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप देखो बिकॉज ई इन क्या है, ई इन आपके पास है क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आर क्यूब है, ये है, और ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये वैल्यू आपके पास है 3 रो, कितने 3 रो, ध्यान से देखिएगा जो हमने सॉल्व किया है। तो अगर आप देखें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आप आराम से नोट कर लीजिए, देखो सॉरी ये रो बाई 3 आएगा बेटा, तो रो बाई 3 आएगा, इसको सॉल्व कर दो कितना आएगा, यहाँ पे इसकी जगह रो बाई 3 रख दीजिए, तो ई इन कितना आ जाएगा आपके पास, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास इनसाइड में आया। इसका मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, यानी कि 0 नहीं होगा, जबकि कंडक्टिंग के केस में क्या आ रहा था, वो 0 आ रहा था, ठीक है बेटा। तो जैसे हमने ई इन निकाला इसी तरीके से हम कहा चलेंगे, ये हमने कहा निकाला इंटरनल पॉइंट पर, कब, जब आर की वैल्यू लेस देन आर होती है, ओके तो चलते हैं। अब जैसे हमने ई इन निकाल दिया तो अब हम किसकी बात करते हैं, आर की। तो देखिए इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में अगर देखें तो अगर मैं आर बराबर आर रख दूं तो इसी क्वेश्चन में जो मैंने ये लिखा है, यहां पर आर की वैल्यू आर के बराबर रख दूं, क्योंकि जब मैं आर की वैल्यू आर के बराबर रख दूंगा तो पूरा चार्ज काउंट होगा, तो मैं यहीं पर इक्वेशन पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा ई सरफेस पर, सरफेस पर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और आर और अपॉन में आर क्यूब, और आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई एस की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस पर आई है, किस पर आई है बेटा, सरफेस पर। और अगर मैं बात करता हूं किसके, एक्सटर्नल पॉइंट की, तो एक्सटर्नल पॉइंट बोले तो यहां पर, और एक्सटर्नल पॉइंट हमेशा याद रखिए, एक मैं थोड़ा हिंट देता हूं, वो हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब कब, जब आर की वैल्यू ग्रेटर हो आर आ जाए, तो ध्यान रखना एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कोई भी बड़ी कितनी भी बड़ी बॉडी हो वो हमेशा एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी, और पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहां से आता है डिस्टेंस का स्मॉल r स्क्वायर, ये आ गया सिंपल। तो इसका मतलब यहां पर ये कितना आया, E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहां पर, आउटर पॉइंट पर, यानी कि ऊपर, ठीक है बेटा, आउटर पॉइंट हो गया। अब अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए इसका, तो ग्राफ देखिए बहुत आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ई आपके पास इनसाइड में आया है वो आया है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर अपॉन में आर क्यूब भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं और करके, और जबकि सरफेस पर कितना है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जबकि एक्सटर्नल पॉइंट पर कितना है आउटर पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ आर की वैल्यू लेस देन आर और यहाँ आर की वैल्यू बराबर आर और यहाँ पर आर की वैल्यू ग्रेटर आर। तो ये देखिए ये ड्रॉ कीजिए ऐसे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये ध्यान दीजिए ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो मैं अगर बात करता हूं तो सेंटर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि यहां तक सरफेस तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, कब, जब आर की वैल्यू लेस देन आर होगी, जब आर की वैल्यू बराबर आर आ जाएगी तो वो उसके बाद से इनवर्सली है, तो इनवर्स के बाद में वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर,
जबकि यहाँ पर क्या है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच ग्राफ है, पोजिशन के बीच ग्राफ है, ठीक है, पोजिशन बोले तो आर। ये आपके पास था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, किसके लिए बेटा, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। ओके, अब जैसे अगर बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर की, तो इसके बाद बेटा जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए भी ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, मैं बता देता हूं। अब मैं बात करता हूं, एक तरफ लिख देता हूं कंडक्टिंग और एक तरफ लिख देता हूं नॉन कंडक्टिंग। अगर मैं बात करता हूं तो यहां लिख देता हूं कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर, और यह कह सकता हूं नॉन कंडक्टिंग क्या लिख दूं, चार्ज्ड सिलेंडर, ये मैं आपको यहां लिख देता हूं, ठीक है बेटा। अगर कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, तो आप जानते हैं ये क्या हो गया, ऐसे जो सरफेस पे स्प्रेड होगा, यानी कि यहां पर ऐसे ये सरफेस पे स्प्रेड होगा चार्ज, ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया, ठीक है बेटा। ओके, अब अगर मैं इनसाइड में निकालता हूं तो आप जानते हैं बिकॉज क्यों, इनसाइड क्या होगा आपके पास जीरो, तो इसका मतलब ई इनसाइड भी क्या आ जाएगा आपके पास जीरो, समझ गए क्यों, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि क्या है कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग में चार्ज कहां था, हमेशा सरफेस पर। और अगर मैं बात करता हूं, ये आ गया एट इंटरनल पॉइंट, इन पॉइंट लिख देना कोई भी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, एट एक्सटर्नल की, किसकी बात करता हूं बेटा, एट एक्सटर्नल, तो एट एक्सटर्नल पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सॉरी सरफेस की, तो वो भी निकाल सकता हूं। देखिए ई का जो फॉर्मूला होता है, अब आपको पता है ये इनफाइनाइट है, क्या ये इनफाइनाइट है, हमने इनफाइनाइट माना, तो आपको तो पता है इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने क्या कैलकुलेट किया था, इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने कैलकुलेट किया था, याद करो कि 2k λ/ में कितना आर, और ये आर क्या है, यहां से यहां तक किसकी रेडियस, अगर आपको पता हो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से, तो हमने ये सॉल्व किया था 2k λ/r कहां पर, सरफेस पर। ओके, अब आप देखिए बिकॉज लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एल, ये इनफाइनाइट है तो पर यूनिट लेंथ के लिए मान लेता हूं, क्यू बाई एल है ना, तो क्यू बाई एल को मैं पर यूनिट लेंथ मान लेता हूं, तो क्यू बाई वन। और जबकि मेरे पास सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है क्यू बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं चलो लेंथ एल भी नहीं मानता तो मैं ये तो लिख सकता हूं कि लेंथ एल है, और सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल, और एल यानी वन पॉइंट लेंथ है, और जबकि सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन, ये आपके पास इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होगा 2π, और इसका रेडियस r, और इनटू पर यूनिट लेंथ कितनी होगी 1, ये आपके पास है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, बाद में कंटिन्यू करूंगा इसको नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक तरफ, तो ध्यान से देखिए ये सिग्मा है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू क्यू आ जाती है, और क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू अपॉन में 2π r। तो इसका मतलब मेरे पास, मैंने क्या किया, लैम्डा की जगह, सॉरी क्यू की जगह लैम्डा पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लैम्डा। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 2π r। अब क्योंकि मैं जानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, एट सरफेस पर क्या होता, क्योंकि इन्फाइनाइट है, तो इन्फाइनाइट के लिए क्या होता है, एट सरफेस इक्वल टू, यानी कि इस पॉइंट पर, वो भी कहां से, एक्सिस से, आर डिस्टेंस पर, ठीक है ना, एक्सिस से। तो ये ईएस कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में इसमें आ जाएगा आर, और इनटू यहां पे क्या आ जाएगा, की वैल्यू 1/4π ε0, और इनटू लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इनटू 2π r, ये आर से आर कैंसिल, 2π 2π,
और 2 से 2 यानी कि सिग्मा एस की वैल्यू जो आई है वो आई है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सरफेस पर, ठीक है बेटा। और अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि यहां पर अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट की बात करता हूं तो एक्सटर्नल पॉइंट पर कि जो चार्ज है वो यही है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए यही चार्ज काम करेगा। और मैंने आपको बताया था किसी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमेशा जो चार्ज बॉडी होती है वो पॉइंट चार्ज की तरह काम करती है, तो उसके लिए निकाल लेते हैं एट एक्सटर्नल यानी ओ पॉइंट मतलब कि आउटर पर। तो अब आप देखिए वो क्या होगा, फॉर्मूला तो ये होगा 2k लैम्डा अपॉन में कितना होगा आपके पास आर, ये होगा। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे जो आपके पास 2πr है, हमें तो क्या निकालना है, यही वाला चार्ज काम करेगा और तो कोई चार्ज काम करेगा नहीं। तो मैं लिखूंगा लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन में परिट लेंथ, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास क्यू, उसके बाद क्या आएगा आपके पास सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन में कितना आएगा बेटा 2π, ये कितना आएगा आपके पास आर, तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2πr, ठीक है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से जो कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या होगा, देखिए सिग्मा मेरे पास आ गया, लैम्डा की वैल्यू निकल सकती है, तो इसी वाले फॉर्मूले से आ जाइए यहाँ पर। तो ई आउटर पॉइंट पर क्या होगा 2 अपॉन में r इंटू के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू, और ये क्या आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास सिग्मा इंटू 2πr, ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 2πr, ठीक है बेटा। ये आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा जो हमने आपको बताया। अब इसमें 2π से 2π कैंसिल, तो ई नॉट की वैल्यू ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये आपके पास आ जाएगा किस पर, आउटर पॉइंट पर, ठीक है बेटा। तो ये क्या इनसाइड पर क्या होगा 0, सरफेस पर ये हो गया और आउटर पर ये आ गया जो हमने कैलकुलेट किया है, और इसके आउटर के हर पॉइंट पर होगा यानी ऐसे 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 यहाँ होगा यहाँ 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 यहाँ, तो हर पॉइंट पर क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं इधर भी और इधर भी, इधर भी हर जगह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी आउटर पॉइंट पर, सरफेस पर ये आएगी और इंटरनल पर क्या होगी 0। अब किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हम किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए। तो अगर मैं नॉन कंडक्टिंग बॉडीज की बात करूं तो मैंने यहां पर एक नॉन कंडक्टिंग बॉडीज बनाई हुई है। बस पहले मैंने क्या बनाया था स्फेयर, और इस बार मैंने बनाया लॉन्ग इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी का। तो सबसे पहले देखिए मुझे इस पॉइंट पर निकालना है जब आर की वैल्यू लेस देन आर होगी, फिर मुझे निकालना सरफेस पर, और फिर मुझे निकालना एक्सटर्नल पॉइंट पर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर इंटरनल पॉइंट पर निकालना है तो उसके सब पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए ऐसे, और आप देखेंगे तो एक इमेजिनरी, क्योंकि पॉइंट इधर भी होगा तो पॉइंट इधर भी होगा, तो एक इमेजिनरी छोटा सा एक एनक्लोज चार्ज हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्यू डैश है, जबकि पूरे इन्फाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वैल्यू कितनी है, चार्ज की क्यू है। तो अब यह 3D बॉडी की बात हो रही है तो यह वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। तो देखेंगे, देखिए बिकॉज भैया लॉन्ग इन्फाइनाइट है, और यहां पर एक्सेस से आपको याद हो लॉन्ग इन्फाइनाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई इन इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में आर, ये तो आप जानते हैं। के क्या होता है आप जानते हैं, लैम्डा क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहां पे क्या, ये यहां पे 3D बॉडी है तो इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में एल, एल यहां पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं क्योंकि इनफाइनाइट बॉडी है, तो पर यूनिट लेंथ के लिए ले लेते हैं, तो क्यू डैश अपॉन में 1, एंड जो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी क्यू डैश अपॉन में, वॉल्यूम क्या होगा इसका सिलेंडर का, वॉल्यूम होगा पाई, कितना होगा आर स्क्वायर अगर मैं इसकी बात करता हूं, और इंटू पर यूनिट लेंथ कितनी है 1 है, यानी क्यू डैश किसके बराबर है एल के, तो यहां पुट कर सकता हूं, तो रो इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन में पाई आर स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी रो पाई आर स्क्वायर
तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ई इन इक्वल टू अपॉन आर इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी, रो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल और टू टू फोर और एक आर से आर कैंसिल, तो जो मेरे पास ई इन आता है वो आएगा रो आर अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास वैल्यू आई है इनसाइड में। ठीक है बेटा, अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, सरफेस की, तो सरफेस के लिए भी आराम से आ जाएगा। सरफेस के लिए क्या है, सरफेस के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली जो मैंने आपके पास यहां लिखेंगे एट सरफेस, सरफेस के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, यही वैल्यू आ जाएगी और यहां पर आर की जगह क्या आ जाएगी, कैपिटल आर, तो यहां पर ई इन कितना आ जाएगा आपके पास, रो आर अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चाहे तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं अगर आप चाहो तो। तो इसी तरीके से लैम्डा क्या होगा, क्यू डैश अपॉन एल, तो मैं लिख लेता हूं एक बार इसको प्रूफ करने के लिए कि सरफेस पे कैसे निकालेंगे। तो देखिए लैम्डा कितना होगा आपके पास, क्यू बाई कितना होगा बेटा, क्यू बाई एल यानी पर यूनिट लेंथ, और रो कितना होगा आपके पास, रो होगा क्यू अपॉन में कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ वन, तो क्यू की जगह लैम्डा रख दीजिए तो रो ये क्वेश्चन कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख दीजिए ई सरफेस पर कितना होगा, ई ये भी इतना ही होगा, टू के लैम्डा अपॉन में कितना, कैपिटल आर आ जाएगा बस, क्योंकि किसकी बात हो रही है, सरफेस की, तो ई एस जो मेरे पास आएगा वो आएगा टू अपॉन में आर की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी, लैम्डा की वैल्यू ये रही रो पाई आर स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल टू टू जो और पाई से पाई कैंसिल, तो ये सरफेस पर भी कितनी आ जाएगी, रो आर अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट। तो बात यही थी कि यहीं पे ही आप क्या पुट कर देते, आर की जगह आर पुट कर देंगे, तो मैं ये लिख देता हूँ ई सरफेस पर कितना आ जाएगा, रो आर अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ गया। अब बेटा अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट की, तो एक्सटर्नल पॉइंट पर देख लीजिए कैसे करेंगे, लिख दूंगा एट आर ग्रेटर आर, अगर आर ग्रेटर आर की बात करूं यानी कि यहां पर, तो मैंने आपको क्या बताया था, आउटर पॉइंट के लिए कोई भी बॉडी किसकी तरह काम करती है, पॉइंट चार्ज की तरह, तो लिखेंगे ई आउटर इक्वल टू अपॉन में स्मॉल आर और के लैम्डा, लैम्डा आपके पास क्या होगा, आपके पास क्यू अपॉन में वन यूनिट, और आपके पास रो इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन में पाई, और ये होगा आर स्क्वायर इंटू वन, क्योंकि चार्ज तो केवल बड़े आर रेडियस में है तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल आएगा, क्योंकि वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी, रो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ई जीरो कितना आएगा आपके पास, टू अपॉन में आर और इंटू में के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू रो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई टू टू द फोर, तो ई नॉट जो आता है वो आता है रो आर स्क्वायर अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आउटर सरफेस पर। तो ये आपके पास आउटर सरफेस पर आया, और ये आपके पास क्या आया सरफेस पर, और ये आपके पास क्या आया है इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हमने नॉन कंडक्टिंग में फाइंड आउट किया है, सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसके लिए, कंडक्टिंग के लिए, पर फर्क क्या होगा वो मैं आपको यहाँ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कैसे, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कंडक्टिंग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज
ठीक है, ये आपके पास, ये हम चल रहे हैं नए टॉपिक पे। तो बेटा सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अभी तक जो हमने किया था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था, लेकिन अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो क्या है आपके पास, वो एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो चार्ज का वैल्यू है या उसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो चेंज हो रही है उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में या पोजिशन के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि एक आर रेडियस का बॉल है, कैपिटल आर रेडियस का, ठीक है, ये मैंने मान लिया एक कैपिटल आर रेडियस का बॉल है जिसके वॉल्यूम में चार्ज वॉल्यूम जो है, जिसके वॉल्यूम में मतलब जो चार्ज स्प्रेड है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो इस तरीके से डिपेंड करता है, रो इक्वल्स टू रो नॉट ब्रैकेट में वन माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे इसकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। आपसे क्वेश्चन में बोला गया रो नॉट एक कॉन्स्टेंट है और आर क्या है, वो डिस्टेंस है स्मॉल आर, वो कैपिटल आर से बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं स्मॉल आर की, तो मैंने ये मान लिया आर डिस्टेंस के साथ साथ यहां तक मान लीजिए, तो इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब वो चेंज कहां तक होगी, आर तक। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता हूं मैं कि आप ये बताइए द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर क्या होगी, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब भी कभी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो सबसे पहले तो ये लिखिए बिकॉज वी नो दैट रो इक्वल्स टू होता है, वो होता है डी क्यू अपॉन में डी वी। अब आप देखिए क्या मैं इसमें से एक एलिमेंट कट कर सकता हूँ, एलिमेंट कैसे कट कर लेता हूँ, ऐसे जो इसमें से एलिमेंट कट होकर आएगा आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का, वो क्या होगा, वो एक शेल होगा, क्या होगा, वो एक शेल होगा, स्फेरिकल शेल। तो ये जब ये एक शेल होगा तो इसका रेडियस कितना है आर, जबकि इसकी थिकनेस कितनी है डी आर, इसकी थिकनेस कितनी है डी आर, तो इसका वॉल्यूम निकल सकता है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा डी वी वो कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। मैथमेटिकल अच्छी तरह जान सकते हैं इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया, नहीं आता तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो रो का फॉर्मूला ये, तो मैं लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन, क्योंकि इस पर यूनिफॉर्म डेंसिटी वेरिएबल है तो इसका चार्ज भी वेरिएबल ही आएगा। तो डी वी की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और रो की वैल्यू क्या जो आपको गिवन है, यानी कि रो नॉट ब्रैकेट में वन माइनस आर अपॉन आर इक्वल डी क्यू अपॉन में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। रो नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ डी क्यू, चार्ज आ गया मेरे पास तो डी क्यू की वैल्यू कितनी है, रो नॉट 4 पाई और लिख दूं मैं आर स्क्वायर डी आर और माइनस आर की पावर 3 अपॉन में आर और डी आर, ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा, किसको, इस डी क्यू को, तो लिख देता हूं क्या कि डी क्यू इक्वल रो नॉट 4 पाई इंटीग्रेशन आर डी आर माइनस 1 अपॉन आर आर की पावर 3 डी आर, ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब आपको सोचिए कि आपको चार्ज अगर पूरी बॉल का निकालना है, ये मैं मिटा रहा हूं, अगर चार्ज आपको पूरी बॉल का निकालना है तो लिमिट क्या रखेंगे, 0 से लेके आर, क्योंकि जो आपके पास बॉल है वो कैपिटल आर रेडियस के। तो मैं मान लेता हूं चले क्वेश्चन में कि पूरी बॉडी का चार्ज निकालना है, तो पूरी बॉडी का चार्ज में पहले इनिशियली चार्ज क्या होगा, 0, फिर क्या हो जाएगा क्यू, और यहाँ लिमिट इनिशियली रेडियस 0 फिर बाद में आर, ये 0 और ये आर, ये आपके पास आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो मेरे पास क्या आएगा, क्यू इक्वल रो नॉट इंटू 4 पाई और क्या जाएगा आपके पास, आर की पावर 3 अपॉन में 3, मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी है, और आर की पावर 4 अपॉन में 4 आर, ये डायरेक्ट लिख दिया, आर से आर कट गया,
क्यू इक्वल कितना है, रो नॉट इंटू 4 पाई, और कितना है बेटा आपके पास 12, और आर क्यूब ये आपके पास आया। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है, रो नॉट इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 12, ये इसका आंसर आ गया चार्ज का। ठीक है, यानी कि इस बॉडी पे इतना चार्ज स्प्रेड था। तो अब अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल सकते हैं। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज ई क्या होता है सरफेस पर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो जानते हैं। तो के की वैल्यू क्या आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्यू की वैल्यू कितनी, क्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, रो नॉट 4 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन में ये कितना आता है 12, ये आपके पास आ गया। और आर स्क्वायर भी है तो कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो ई एस की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, रो नॉट, ये आपके पास एक आर बचेगा तो, और ये आपके पास रो नॉट है, तो ध्यान से देख लीजिए। तो रो नॉट अपॉन में कितना है बेटा, ये आपके पास है 12 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे एक सॉरी एक ऊपर आर बटेगा क्योंकि आर के पावर 3 था, तो ये आर आ गया। तो ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किस पर आ गया बेटा सरफेस पर। और चाहो तो आप रो नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो रो नॉट की वैल्यू कितनी है वो यहां से वापस पुट कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं आप यही आंसर इसको छोड़ सकते हैं। ये आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमें ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया चार्ज की वैल्यू बताइए कहां तक, पूरी बॉडी के लिए, तो पूरी बॉडी के लिए चार्ज आपने बता दिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी देखिए वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। तो देखिए जरा ध्यान से, ठीक है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, देखिए जरा कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 - r/r गिवन है, ठीक है, और मैं आपको पहले बता दूं आर क्या है, रो क्या आपके पास डी क्यू अपॉन में डी वी, और इक्वल्स टू रो नॉट 1 - r/r। तो मैं क्या लिखूंगा डी क्यू, और इक्वल में क्या वॉल्यूम की वैल्यू तो आपको बताई थी, रो नॉट पाई क्या आएगी आर स्क्वायर डी आर 1 - r/r, इसमें क्या करो डी क्यू, और इक्वल में रो नॉट इंटू 4 पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन -1/r r³ डी आर, ये आपके पास इंटीग्रेशन फॉर्म। अब हमें बताना है एज ए फंक्शन ऑफ आर, यानी कि पूरी बॉडी का चार्ज नहीं निकालना है, जो हमारे पास जो ये बॉल थी उसके सेंटर से आर डिस्टेंस तक हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि वेरिएबल फॉर्म में। तो कैसे निकाल सकता है, देखिए इसका मान लीजिए सेंटर पर चार्ज 0 है, और यहां पर क्या मान लीजिए क्यू डैश मान लीजिए, तो ये कितना आएगा क्यू डैश इक्वल टू रो नॉट इंटू 4 पाई, और ये क्या आएगा स्मॉल आर से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक, अगर आप देखें तो यहां से यहां तक हम जा रहे हैं, तो अगर वेरिएबल फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो इसलिए आप लिमिट का बहुत ही विशेष तौर से ध्यान रखें। तो लिमिट क्या होगी आप खुद देख सकते हैं, ये कितना है 0 से r, और ये भी 0 से r और 0 से r, क्योंकि सबसे पहले एलिमेंट कहां से कटेगा सेंटर से ऐसे, फिर कहां तक जाना आर तक, तो ये आ जाएगा आर की पावर क्यूब अपॉन क्यूब माइनस क्या आ जाएगा आर की पावर 4/4 r, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू जो हम बता रहे हैं चार्ज की एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस के लिए, एट सरफेस या फिर एट इंटरनल पॉइंट पे, क्योंकि हम यहां पर बताना चाह रहे हैं, तो एट इंटरनल पॉइंट सरफेस पर भी निकाल देंगे। एट इंटरनल पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर बताना है, तो इंटरनल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन में आर। तो के की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/4 πε₀ और इंटू आर, और इंटू क्यू डैश की वैल्यू कितनी है रो नॉट 4 पाई, और कितना आर क्यूब अपॉन में 3
माइनस आर की पावर 4/4R, ये आपके पास आता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाता है, 1R से 1R भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास E कितना बचेगा इंटरनल पॉइंट पर, ई इन तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा रो नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये बचेगा आर स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस आर की पावर क्यू अपॉन में 4R। ठीक है बेटा, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ई इन जो मेरे पास आएगा वो आएगा रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन में कितना 3 एप्सिलॉन नॉट, ये एक काम कर लेते हैं ऐसे रहने देते हैं, और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं 1/3 माइनस आर अपॉन में 4R, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। किस पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। चाहो तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना एक आर हमने यहाँ से आर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ आर स्क्वायर बचा था तो यहाँ पे क्या बचा था आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा था आर की पावर 4, और यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ई इन कितना आ जाएगा, ई इन इक्वल आ जाएगा रो आर स्क्वायर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 3R/4R, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कि हमने कैसे किया, यहाँ आर की पावर स्क्वायर था, यहाँ आर की पावर क्यूब था, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, सॉरी ये स्क्वायर आएगा बेटा, ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर, कैलकुलेशन प्लीज देख कर, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर ये आर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आर आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में ध्यान रखना आर स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और रो भी नहीं सर रो नॉट है, ठीक है, रो नॉट आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 3R/4R, ये क्या आपके पास इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है। तो प्लीज क्वेश्चंस को देखिए, और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी हो सकता है, बस आप उसको तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सॉल्व उसको करना है। चलिए समझाने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, वो देखिए कैसा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके लिए दो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, और दोनों न्यूमेरिकल्स में से एक मैं करूँगा और एक न्यूमेरिकल आप खुद अटेम्प्ट करें, और आंसर ये आपका IIT JEE 2009 में आया हुआ है ऊपर का क्वेश्चन, और नीचे का क्वेश्चन भी इस तरीके से आया हुआ है, यहाँ पर आपको शो करना है दोनों में, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन मैं इसको कर देता हूँ, फिर आप इसको कर लेना, क्योंकि इसके जैसे एक एग्जांपल मैं करा चुका हूँ पीछे, तो कोई भी एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैज ए चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो नॉन कंडक्टिंग है, विद ए चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू के आर टू द पावर ए, वेयर के एंड ए आर कॉन्स्टेंट एंड आर द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू आर बाई टू इज 1/8 times दैट एट आर इक्वल आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, तो चलते देखिए, क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड में साफ कर रहा हूं, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, क्वेश्चन मेरे पास है, आप उसको देखिए मैंने क्या बोला है क्वेश्चन में, मैंने सिंपल आपसे क्वेश्चन बोला है कि आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है जिसका जो रो दे रखा है वो दे रखा है KR^2A, ये आपके पास दे रखा है, ठीक है बेटा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज इसके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्मली है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, सबसे पहले मैं सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कट करूंगा, ये मैंने एलिमेंट कट कर लिया, इसकी थिकनेस कितनी है डी आर, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा,
डीवी इक्वस टू 4 पाई आर स्क्वायर dr, ये इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। और रो का जो फॉर्मूला होता है, ये जो रो होता है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू अपॉन में डी वी, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डी क्यू रो इक्वल डी क्यू अपॉन में डी वी और इक्वल के आर टू द पावर ए, और डी क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और के आर एस दी पावर ए, ये आपके पास आ जाता है। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी थोड़ा 4 पाई के, और ये आ जाएगा आर की पावर ए प्लस 2 dr, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है डी क्यू की, ठीक है बेटा। जब ये इस तरीके से मेरे पास डी क्यू की वैल्यू आ जाती है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा चार्ज, क्योंकि आपसे पूछा गया है कहाँ से आर इक्वल आर बाई रूट टू पर, सॉरी 2 पर, तो सबसे पहले मैं आर बाई टू तक का चार्ज निकालूंगा कितना ऑक्यूपाई किया है उसने, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पहले चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो लिखेंगे डी क्यू इक्वल 4 पाई के इंटीग्रेशन आर रेस द पावर ए प्लस 2 dr, और लिमिट कहां से आर बराबर 0 से आर इक्वल कैपिटल आर बाई 2 तक, और ये लिमिट क्या हो जाएगी, सेंटर पर चार्ज ये और ये आपके पास क्यू, तो आ जाएगा क्यू माइनस 0 इक्वल 4 पाई के, और अपॉन में ये आ जाएगा ए प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ए आर की पावर ए प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट 0 से आर बाई 2, तो यानी क्यू की वैल्यू जो आई है वो आई है 4 पाई के अपॉन में ए प्लस 3, और इंटू में कितना आ जाएगा आर बाई 2 की पावर ए प्लस 3, ये आपके पास चार्ज आ गया आर बाई 2 तक का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन इन वाले को हम मान लेते हैं E1 है, और वो कितना है के क्यू, इसको क्यू डैश मान लेते हैं, ठीक है, इंटरनल पॉइंट के लिए जो चार्ज निकाला, क्यू डैश अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आपके पास, ये आर की वैल्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो E1 जो मेरे पास आएगा, के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू क्यू डैश की वैल्यू आपके पास 4 पाई के अपॉन में ए प्लस 3, और इनटू में ये आर बाई 2 और ये है, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास आर बाई 2 की पावर, अगर इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएगा, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो यानी कि ए प्लस 1 आएगा, ये इलेक्ट्रिक 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 3 और इंटू आर बाई 2 की पावर ए प्लस 1, ये आपके पास आई है। ये कहां पर आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो आई है एट आर इक्वल आर बाई 2 पर, यानी कि इनसाइड में, ठीक है बेटा। अब अगर बात करता हूं मैं किसकी, एट आर इक्वल आर पर, एट आर इक्वल आर पर, तो अगर मैं एट आर इक्वल आर पर बात करता हूं तो आर इक्वल आर पर कैसे कैलकुलेट करूं, बहुत सिंपल है, देखिए आर इक्वल आर पे कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा। अब वो भी कहां, पहले मैंने चार्ज निकाला था 0 से लेकर आर बाई 2 तक का, अब यहीं से मैं क्या करूं, इसी को यहां से चार्ज की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्यू इक्वल 4 पाई के, 4 पाई के इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहां तक, कैपिटल आर तक, और आर की पावर ए प्लस 2 dr। इसको सॉल्व कर तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4 पाई के, और ये आ जाएगा आपके पास आर की पावर ए प्लस 2, ये आपके पास सॉरी अपॉन में ए प्लस 3, और ये भी आ जाएगा ए प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगी चार्ज की वैल्यू। जैसी ये वैल्यू आई फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर क्या होता है, एट सरफेस पर तो क्या होगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा ई एस इक्वल को क्या मान लेते हैं ई टू,
और इक्वल क्या लिख दिया हमने, के के की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू की वैल्यू कितनी है 4 पाई के और अपॉन में a+3, ठीक है बेटा, और इनटू में क्या रहेगा आपके पास, इनटू में ये आपके पास आ जाएगा। अगर देखे तो यहाँ पर r² है और ये है, तो इसका मतलब r की पावर कितनी हो जाएगी, a+1 ये आपके पास आ जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई, तो e2 जो आएगा वो आएगा k अपॉन एप्सिलॉन नॉट a+3 और इनटू में r की पावर a+1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ पर, r = r पर आया बेटा। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया दो जगह का, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया r/2 पर, यानी कि 1, वो 1/8 है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब आपके पास ई1 कितना है, ई1 आपके पास ये है के अपॉन एप्सिलॉन नॉट a+3 और कितना आएगा इंटू r/2 की पावर a+1 इक्वल टू 1/8 इंटू e2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट a+3 और इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, r की पावर a+1, r की पावर a+1 ये आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये सब क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, r की पावर से r की पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 a+1, 1/2 a+1 इक्वल टू 1/8, तो इसका मतलब 2a+1 किसके बराबर आ गया, 8 के, तो 2a+1 इक्वल किसके आएगा, 2 की पावर 3 के, ये आपके पास आया। तो a+1 कंपेयर करके कितना आ जाएगा, 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये है आपके पास उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे मैंने किया है, अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट पहला आपको अच्छे से समझना है कि मैंने कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, सबसे पहले लिमिट रख के चार्ज की वैल्यू निकालें। और लिमिट कैसे पता लगेगी, क्वेश्चन में गिवन होगा कि यहां से यहां तक के लिमिट का चार्ज कैलकुलेट करना है, और ये का फॉर्मूला सिंपल होता है KQ/r², चाहे इंटरनल पॉइंट हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे सरफेस हो, उसको वैल्यू को पुट करके फिर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है ए की वैल्यू 2। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, उसको आप खुद कीजिए। अब मैं इसके बाद आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कैविटी इनसाइड ए, या इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म, या फिर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे नॉन कंडक्टिंग में। ठीक है, तो वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। तो चलते हैं देखिए कैसा हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, 2000 मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल भी आता है इसमें। 2013 में IIT JEE में क्वेश्चन आया था, और मेडिकल में भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे से का देखेगा, अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स को, चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट पर वार करें। तो देखिए मैं इसको करने जा रहा हूँ, याद रखना नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग का मतलब जिसके वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं, क्योंकि अभी हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल कराया था वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कराया था। तो देखिए चलते हैं, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कैविटी के लिए। तो देखिए सपोज आपके पास क्या, एक ये एक चार्ज बॉडी है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ओके, इस तरीके से ये इसका मान लीजिए सेंटर है, ये क्या आपके पास वाई एक्सेस, अभी क्या आपके पास एक्स एक्सेस, ठीक है बेटा। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसमें एक कैविटी कट कर लेता हूं, ठीक है, अब वो कैविटी कैसे कट करनी है वो देखिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं इसमें इस तरीके से कैविटी को बना लेता हूं,
ऐसे ये मैंने इसमें कैविटी बना दी, ठीक है। और इस कैविटी की ध्यान रखना, यहां से इसके सेंटर से इसके सेंटर से, ये सेंटर क्या ओ है और ये ओ डैश है, ओके। और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितना ए है, कितना बेटा ए, ओके। चलते हैं, अब सपोज मैं कैविटी के अंदर क्या करता हूँ, कोई पॉइंट लेता हूँ, कैविटी के अंदर क्या लेता हूँ, कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पॉइंट कंसिडर करता हूँ और इस पॉइंट का नाम है पी पॉइंट है, क्या है पी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता हूँ, क्या फाइंड आउट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले ये देखिए जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर ये कितनी है ए। अब पोजीशन वेक्टर तो ड्रॉ करने आते होंगे आपको, एक पोजीशन तो ये बन गई है ये। अब आप देखिए ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी को दोनों के सेंटर से ऑब्जर्व करो, किसके से, एक बड़े वाले के सेंटर यानी ओ से और एक छोटे वाले सेंटर यानी ओ डैश से। तो मान लेते हैं कि ये इस वाले के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर, और यहां से कितने डिस्टेंस पर है, ये यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर, वेक्टर पोजिशन ये बन गया, ठीक है ना। तो अगर आप वेक्टर के रूल से जाएं तो मैं आराम से ये बोल सकता हूं कि वेक्टर ओ ओ डैश प्लस वेक्टर ओ डैश पी और इक्वल में कितना आ जाएगा, वेक्टर ओ पी, ये आपके पास आ जाएगा। ओ डैश की वैल्यू देखिए, ओ डैश की वैल्यू आपके पास कितनी है, वेक्टर ए प्लस ओ डैश की वैल्यू, ओ डैश पी की वैल्यू कितनी है, ओ डैश पी की वैल्यू है वेक्टर वाई, और बराबर ओपी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर एक्स, ये मैंने आपको मान दिया। मैं यहां से लिख सकता हूं वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर वाई, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है। अब आप ये देखिए, सबसे पहले जो पी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट, पी पॉइंट जो है वो आपके लिए, हमारे पास एक किस्म से देखा जाए तो दो स्फेयर हो गए, एक तो ये वाला स्फेयर और एक ये वाला स्फेयर, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना अच्छे से। मैंने आपसे क्या बोला है कि यहां एक किस्म से दो स्फेयर है, एक तो बड़ा वाला स्फेयर और एक जो छोटा स्फेयर कट करके मैंने बाहर निकाल दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग बॉडी क्या होता है, ई इक्वल्स टू होता है इनसाइड में, अगर बैक अपने देखी ध्यान से, वो होता है रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप देखें पी पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट, पी पॉइंट बड़े वाले के लिए इंटरनल पॉइंट है, पी पॉइंट बड़े वाले के लिए सही है, ये जो पी पॉइंट है ये इसके लिए इंटरनल पॉइंट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज, लार्ज नहीं मतलब बिग स्फीयर ये वाला जो है, या ओ डैश लिख दीजिए, ड्यू टू ओ, तो क्या होगा, E1 मान लेते हैं, E1 कितना आ जाएगा आपके पास, रो, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लिखा हुआ मैंने, तो रो सेम ही रहेगा। आर की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की एक्स, और अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए यहां एक पोजिशन वेक्टर, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ये मैंने बना दिया, ओके। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इस पॉइंट पर छोटे वाले की वजह से, ठीक है, अगर इस पॉइंट पर छोटे वाले की वजह से निकलेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओडेस, क्या आएगा, ड्यू टू ओडेस, तो क्या लिखूंगा मैं, E2 इक्वल, यहां आर की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये कितनी दूरी पर है, क्योंकि देखो बड़े छोटे वाले के लिए भी ये कौन सा पॉइंट, इंटरनल पॉइंट है,
छोटे वाले के लिए भी ये पी पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट है, तो मैं क्या लिखूंगा सेंटर से कितनी दूरी पर है, वाई तो लिखूंगा ई टू, यहाँ आर की जगह क्या पुट कर दूंगा, वाई पुट कर दूंगा, तो लिखूंगा ई टू इक्वल रो वाई वेक्टर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या है, 2। इसका मतलब जब मेरे पास ये सिचुएशन आई है तो आपके पास ये इक्वेशन ए में जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन ए। तो अगर आप देखो तो मैं लिखूं वेक्टर ए इक्वल एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर, ये लिख सकता हूं। अगर आप देखें ए वेक्टर इक्वल एक्स वेक्टर और माइनस वाई वेक्टर, तो इन दो इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं किसकी, रो वेक्टर ए अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट की, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट की, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट की वाई वेक्टर। कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर मैं फ्रॉम 1 और 2 से जाऊं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखिए ये किसके बराबर है, ये बराबर है E1 के, E1 किसका था बड़े वाले का, और ये किसके बराबर है E2 का, ये किसका था छोटे वाले का। तो मैं लिख सकता हूँ रो ए वेक्टर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल कितना जाएगा, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा E1 और माइनस E2। तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट। तो अब आप देखिए आपको पता लग रहा है E1 में से यानी बड़े वाले में से मैंने किसको माइनस कर दिया, छोटे वाले को, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और वो कितना है इतना। अब ध्यान से देखिएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है किसकी, ये जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस वेक्टर के अलोंग, क्योंकि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए थी। तो ध्यान रखना अगर मैं कैविटी की बात करूंगा तो इस कैविटी के अंदर, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए आपको यहां तक। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, कैविटी के अंदर, तो ये आया है यानी कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म बॉडी में, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में अगर आप कैविटी ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे बेटा, कैविटी लाइक ऐसे, तो ध्यान रखना इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका कैसा होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मैंने ये डिस्टेंस क्या मानी थी, ए मानी थी, और ये वेक्टर इसी के अलोंग आया, तो इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिफॉर्म, कैसा होगा, यूनिफॉर्म। आईटी जेई में इसमें रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहला तो आप ये बताइए कि इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैविटी के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो याद रखिए कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, और वो भी किस डायरेक्शन में, अलोंग द ज्वाइनिंग सेंटर्स, जो दोनों का सेंटर आपस में मिल रहा था, किसका, ओ और ओ डैश का, उन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा, तो ये आपके पास है, और कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। आप आईआईटी के पुराने क्वेश्चन देखिए, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में करा रहा हूं, और उसको देखिए कैसे करते हैं, वो आपका आईआईटी जेई 2013 में आया हुआ है, ठीक है। जब हम आज जब इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सारा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, इसके बाद हमारे पास रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल का अलग वीडियो बनाएंगे, गॉस थ्योरम का अलग वीडियो बनाएंगे, इस तरीके से आप वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग अपने डाउट्स को पूछना ना छोड़ें। तो चलते हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं, वो देखिए क्या है, जो 2013 में क्वेश्चन आया वो है क्या, वो क्वेश्चन मेरे पास है अभी, लेकिन क्या है कि वो मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड, वो मैं आपको केवल डायग्राम के जरिए बता रहा हूँ कि उसमें क्या पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक बार पढ़ जरूर दूंगा, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसमें एक इन्फाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, कैसा, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, अभी नॉन कंडक्टिंग,
ठीक है, इनफाइनाइट है। ओके, इसकी लेंथ हमें नहीं पता। क्वेश्चन में क्या बोला है? मेरे सामने, मैं पढ़ देता हूं एक बार। एन इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, यानी कि उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज डेंसिटी। इट हैज अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस आर बाई टू, यानी कि ये इसका रेडियस है यहां से यहां तक। क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है ये आपके पास, और यहां पर एक एक्सिस से आर बाई टू रेडियस का कैविटी बनाई गई है। क्या बनाई गई? कैविटी। ठीक है बेटा, तो आर बाई टू रेडियस की जो कैविटी बनाई है इसके अंदर, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, ये आपके पास क्या वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रख लीजिए, ये रेडियस है। ओके, क्वेश्चन आपके पढ़ता हूं। इट हैज ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस आर बाई टू विद इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, एट द पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, यानी कि यहां से टू आर डिस्टेंस पर, कहां से? यहां से, यहां से टू आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें क्या बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। अब देखिए ये करना बहुत ही आसान है, ठीक है। आंसर इसका क्या है वो मैं लिख देता हूं। आंसर इसका गिवन दिया हुआ है 23 रो आर अपॉन में 96 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्वेश्चन में आंसर है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना, तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपके पास कैविटी कट करेगी है, तो इसका मतलब पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालेंगे? लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर का। तो लॉन्ग और इनकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वो कितनी है? रो है। तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट में बताया था लॉन्ग इनफाइनाइट, लॉन्ग इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको एक बार यहां कैलकुलेट कर देता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर। तो सबसे पहले क्या निकालो, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है क्यू अपॉन में कितना, पर यूनिट लेंथ। तो यानी कि इन्फाइनाइट है तो पर यूनिट लेंथ लेंगे, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा। ये मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना, वरना मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी यूज कर सकता हूं। ये आपके पास है। अब इसकी बात हो रही है रो की। रो क्या होता है? रो होता है आपके पास क्यू अपॉन इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका? पाई। रेडियस कितनी है? आर स्क्वायर। और इनटू पर यूनिट लेंथ ही आ जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर सकते, क्यू की वैल्यू है लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन में कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आई रो पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो आउटर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पी पॉइंट के लिए सिलेंडर की वजह से, ईपीसी यानी कि पी पॉइंट पे सिलेंडर की वजह से वो क्या आएगा? वो आएगा 2k लैम्डा अपॉन में कितना, ये डिस्टेंस कितना है 2r, ये डिस्टेंस कितना 2r। तो आपके पास 2 से 2 कट गया, जितना डिस्टेंस उतना ले लेते हैं। और ईपीसी यानी कि पी पॉइंट पे सिलेंडर की वजह से के क्या है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी है? लैम्डा की वैल्यू ये रही रो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ठीक है, और आर से आर कट गया। तो ई पी सी की जो वैल्यू आई है यानी वो आई है रो आर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका? पूरे लॉन्ग सिलेंडर का, ठीक है, बहुत आसान है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब ईपीसी, अब किसका, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालेंगे? इसका। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना आसान है, किसका? अंदर वाले का, वो जो आउटर पॉइंट पे, यानी कि क्या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फर्क जरा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें
इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, तो इसकी भी चार्ज डेंसिटी क्या रो है, वो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ऐसा दम नहीं है कि आपको ज्यादा दिक्कत हो। तो चलते हैं देखिए कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी पॉइंट, सॉरी ड्यू स्फेयर आर बाई टू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें हम, इसका रो बराबर क्या होता है, रो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेडियस कितना R/2 है। तो मैंने इसका यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया चार्ज, तो चार्ज कितना है आपके पास, ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसकी वजह से पी पॉइंट पर, किसकी वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से, वो आएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 2R का होल स्क्वायर, ये आपके पास आता है। इसको सॉल्व करें तो EPS कितना आएगा, EPS K की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू Q की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आई है। Q की वैल्यू कितनी बेटा, रो मैं इसको लूँ तो 8 से 24 तो आ जाएगा कितना, 4π R³ अपॉन में कितना आएगा 24, और इनटू 4R² अभी कैंसिल हो, 4π से 4π कैंसिल, और ये आर से आर कैंसिल, तो EPS जो मेरे पास आया वो कितना आया, और इनटू रो भी है, तो ये आया रो आर अपॉन में 96 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, पी पॉइंट पर सिलेंडर की वजह से, और ये किसकी वजह से आया, इसका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हैं, मैंने माइनस करके निकाला था, तो पूरे में से ये माइनस कर देता हूं, तो ये इस पॉइंट पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था माइनस करके आता है, तो मैं लिखूंगा रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन वो क्या आएगा, ई इक्वल यानी कि आपको पास सिलेंडर के में से, सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड में से है, माइनस करना किसका, पी पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर का, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, रो आर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर अपॉन में 96 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, ये आपके पास आ जाएगा ई इक्वल रो आर, सॉरी 96 कॉमन एल्सियम ले लेता हूं, ये कितना आ जाएगा 24 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा रो आर, तो इसका मतलब ई कितना आया आपके पास 23 रो आर अपॉन में 96 एप्सिलॉन नॉट, यही मैंने आपको आंसर बताया था, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन टफ नहीं होता है, जो स्टेप होते हैं, जो उसका कंसेप्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कितने टफ से भी टफ क्वेश्चन हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके लिए आपको क्या हो, अगर उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो आज हम इस पोर्शन को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केवल पोटेंशियल के बारे में समझाएंगे और इंट्रैक्शन एनर्जी के बारे में समझाएंगे, और उसके बाद फिर समझाएंगे आपको गॉस थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।